हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम टू दिव्यांशु डिस्कवर, स्वागत है आपका सीरीज में हमारी। तो भाई अभी हम बैठे हैं गाड़ी में, अभी जस्ट हम फीफी से फुकेट आए हैं, जो हमने फेरी ली थी कल 400 बाट की, वो ली थी और उसने 2 घंटे में हमें फुकेट पहुंचा दिया है रसादा बियर। तो उसके बाद अब यहाँ से हमने बाहर, अब हमने यहाँ पे बाहर बात करी है एक बंदे से जो जिसकी अपनी गाड़ी है बड़ी, उसमें हमें आज पूरा दिन हमारे पास है घूमने के लिए फुकेट में, जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पे जाएंगे हम, क्योंकि रात को अपनी फ्लाइट है तो कहीं जाएंगे नहीं, पूरी एक गाड़ी ले ली पूरे दिन के लिए। तो ये सब करने के बाद हमने क्या सोचा, इससे बात करते हैं कि पूरे दिन की हम कैब ले लें, सो दैट ये हमें कहीं हर जगह घुमाता रहे। तो ये हम 4 लोगों के लिए, इसने 2700 की कैब लिया, सामान हमारा रखा रहेगा, 2 बार एयरपोर्ट जाएगा क्योंकि हमारी अलग अलग फ्लाइट है। तो बाकी ये वाला सीन है और दिखाते हैं आज कहाँ कहाँ जाते हैं आपको। बढ़िया सीन हो रहा है आज, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है फुकेट में, एंड लेट्स सी, लेट्स गो। चेक करो, ये है इसकी गाड़ी, इसुजु की MUX है, नई ली हुई है, भाई ने कह रहा है ऐसा, बाकी कुछ नहीं पता, पागल बना रहा हूँ। एंड मुंडे सारे बैठे हुए हैं, फोन में लगे हुए। ड्रॉप किया है हमें बिग बुद्धा के बाहर, यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर वाली साइड। सबसे मेन चीज है यहाँ पे कि कोई भी लड़कियों वगैरह को या और किसी को इनअप्रोप्रिएट कपड़े नहीं पहनने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मंदिर है, टेंपल में अलाउड नहीं होता, सारा कवर करके ही जाना होता है। एंड अब जाते हैं ऊपर, बताते हैं आपको कैसा कैसा, जल्दी जल्दी सारी वीडियो में सब कुछ दिखाएंगे और सारा कुछ दिखाएंगे। बाकी 7-Eleven से मैंने कॉफ़ी ले ली है, बहुत कैंट कॉफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी, और ये पीते हुए चलते हैं ऊपर और आगे दिखाते हैं बिग बुद्धा। ये चेक करो कितनी ज्यादा वाओ टाइप जगह है भाई, वाओ मैन, व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, पूरे बैंकॉक का व्यू आता है, पहाड़ के ऊपर आए हैं बिल्कुल, और बड़ा ही कैंट व्यू है यार, ये चेक करो। ओहो, तो जी यहाँ आ गए हैं हम ऊपर बिग बुद्धा वाली साइड, बहुत ज्यादा हवा चल रही है पर बहुत ही प्यारी हवा है, एंड बहुत ही बढ़िया स्टैचू है, प्यारा एकदम लग रहा है यहाँ पे। हमने थोड़े बहुत मेरे, अब ऊपर जाएंगे और दिखाएंगे आपको चारों तरफ इसके, घूम लेंगे एंड जो जो चीज़ें हैं वो देख लेंगे, वहाँ पे गोल्डन कलर का कुछ है वो भी देख लेंगे, बाकी फोटो वीडियोज तो ले ही रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा वो है, काफ़ी काफ़ी बढ़िया स्टैचू बनाया हुआ है इन्होंने। फोटो भाई ये यहाँ पे है एलिफेंट ट्रैकिंग वाला एरिया, जहाँ पे लोग एलिफेंट के ऊपर चढ़ के फुल ट्रैकिंग का सिस्टम इन्होंने बना रखा है, यहाँ से लेके जाएगा ऊपर नीचे ये वो जो भी है, बीच में इन्होंने बर्ड्स वगैरह बनाए हुए हैं ये, और मतलब ऐसे ही बस सेंचुरी टाइप से बनाया हुआ है, छोटा सा सिस्टम है पर महंगा है थोड़ा सा, हम तो नहीं कर रहे क्योंकि फालतू का टाइम वेस्ट है और पैसे ख़राब करना है, और एलिफेंट वगैरह के ऊपर चढ़ चढ़ के तो हम इधर उधर, ऑब्वियसली मैंने किया हुआ है एलिफेंट कैंप, दोबारे एलिफेंट कैंप में 800 ATV का यहाँ पे प्राइस है 1000 baht 30 मिनट का, और एलिफेंट का है 20 मिनट का 800 बाट पर पर्सन, जो कि काफ़ी है, तो इसलिए कोई पॉइंट नहीं है करने का। तू आइयो ही ना वापस, रुकी ना, चिंता कर ले। अभी हेल्पलेस है भाई, ये है टाइगर किंगडम में हम आते हुए, और देखो कैसे मरियल सा पड़ा हुआ टाइगर, बिकॉज They are on नशे दिए हैं भाई, इसलिए we are also not going, we are not paying for it, we are seeing it, हम बाहर से witness करने आए हैं जरूर। गालियाँ मत निकालो, ये देख कैसे मार रहा है उसके मुंह पे, बेचारा वो तो उधर ही खाना खाना आंदे एक्टर का, सारा खाना जाना एक्टर का। अच्छा शूटिंग का तो भाई, मैं अभी आया हूँ 369 मिस्टर इंडिया रेस्टोरेंट है, जो है फुकेट में अपने एलिफेंट वाले पार्क से बाहर निकल के पास में ही है, और यहाँ पे हमने डिनर लंच किया है अब सारे ने, और ये अंकल जी हैं यहाँ पे, हेलो बोलता हूँ। हेलो, और इनको आपने मूवीज में भी देखा होगा, कौन सी मूवी आपने? पार्टनर मूवी है पीछे लगा हुआ है पोस्टर गोविंदा के साथ, इनके बढ़िया सीन है उसमें, इनको अपनी तरफ से बताना कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट रखना है, उसी तरीके से बनेगा और बढ़िया रहेगा, तो बाकी आगे आपको दिखाते हैं। थैंक यू गाइज, ये आ गया है ओल्ड टाउन, यहाँ पर जो है हम गाड़ी में ही घूमें क्योंकि बिकॉज वेरी हॉट आउटसाइड, एंड ओल्ड टाउन तो ओल्ड टाउन जैसा ही होता है हर जगह आई थिंक। गाइस हम आ गए हैं ओल्ड टाउन में अब, और अच्छी जगह लग रही है, मतलब ऐसे ओल्ड टाउन नॉर्मल मैंने आपको हुई आन में भी दिखाया था वियतनाम, उसके जैसा ही है। ओल्ड टाउन में बेसिकली क्या होता है, पुरानी तरह की से दुकानें बनी होती हैं या तो रीमॉडल करी होती हैं ऐसे कि ताकि ओल्ड टाउन बना सके आर्टिफिशियली, नहीं तो पुरानी एक्चुअली में होती है, पर एक्चुअल पुरानी बहुत पुरानी नहीं मिलती है हर जगह, तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल ओल्ड टाउन ही होते हैं। बाकी आप देख लो, आपको दिखा देता हूँ मैं अलग अलग चीज़ें, जिससे कि आपको अगर लगता है ओल्ड टाउन है तो बताओ,
क्योंकि ये सब हैत बना तो नया ही हुआ है पर ओल्ड टाउन स्टाइल में। वो कितनी सिरा शर्टें हैं भाई। गाइस अभी हम आ गए हैं पटोंग वाली साइड वापस। ये है बंगला रोड वाला व्यू वही, और हम भी अभी जाते हैं कहीं इधर उधर देखते हैं। सोच रहे हैं फुट मसाज लें क्योंकि अब तक नहीं करवाई फुट मसाज, इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा रिलैक्स होकर जाएंगे एयरपोर्ट एंड आगे का आपको दिखाते हैं धीरे धीरे क्या सीन होता है उसका भी, वो भी बताते हैं आपको। चेक करो ये वापस रोड आ गई, यादें ताज़ा हो गई, ऐसा लगा कितना टाइम हो गया यहाँ से गए। गाइस थोड़ा बहुत घूमने के बाद पटोंग वाले एरिया में इधर उधर जाने के बाद और बांग्ला रोड पे थोड़ा बहुत घूमने के बाद हम जा रहे हैं अब वापस एयरपोर्ट की तरफ। और एयरपोर्ट में थोड़ा सा टाइम रह गया है बिकॉज हम थोड़ा लेट चले थे एंड वी आर इन अ रेस अगेंस्ट टाइम राइट नाउ। सो पहले फ्लाइट है पिछाड़ एड सार्थक की, उसके बाद हमारी मेरी एंड कुलदीपक की, देन वी विल बी गोइंग ऑफ टू बैंकॉक। तो और मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा चेक इन कैसे होता है अभी, तो और दिखाने वाला हूँ फ्लाइट का एक्सपीरियंस, एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस कैसा है, अगर हम लॉन्च में गए तो उसकी वीडियो अलग। बाकी लेट्स गो एंड लेट मी शो यू आगे। गाइस हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट और ये सामान वगैरह है हमारा यहाँ पे। भाई ये रहा सेल्फ सर्विस चेक इन, यहीं से करो, मैं तो कर लेता हूँ मतलब। भाई तेरे साथ चलता हूँ इसके बाद साथ। अब यहाँ पे अब चेक इन करने लगे हैं, सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, सेल्फ सर्विस चेक इन कर लो। और उसमें क्या होता है सीन कि आपका यहाँ पे चेक इन हो जाता है, वहाँ पे जाके कोई आपको दिखाना नहीं पड़ता, आप बैग ले जा सकते हो 7-7 किलो के कैबिन में आराम से, और छोटा बैग ले जाओगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कितना किलो है, तो इसलिए सही सीन रहता है। यहाँ पे काफ़ी सारे काउंटर होते हैं ऐसे, तो बेस्ट चीज़ है वो चीज़ देख के कर लो। अभी जस्ट हुआ है हमारा सिक्योरिटी चेक इन और यहीं से साथ ही साथ गेट्स भी शुरू हो गए इनके, ये देखोगे सारे तो ये गेट्स के लिए वेट कर रहे हैं लोग, और साथ ही साथ शुरू हो गए। हमारा है 4 नंबर और बहुत ज़्यादा टाइम है, अब जा रहे हैं हम एयरपोर्ट के पास, उसके बाद जाएंगे आगे। वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगा बिकॉज सारा मैंने आपको दिखा दिया, बहुत आसान प्रोसेस हुआ, जो आपको बताया कैसे चेक इन करना है वो आप यूज़ कर सकते हो और बढ़िया तरीके से चेक इन हो जाएगा, कोई नहीं पूछता कुछ भी। सिक्योरिटी भी इनकी आसान है, ज़्यादा कोई अगर 100 ग्राम या 100 ml से ज़्यादा कुछ भी लेके आते हो वो चीज़ निकाल के फेंक दी जाएगी साथ साथ, तो वो चीज़ देख के ही करना कुछ भी। बाकी तो यही है सारा कुछ इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, देखते रहिए हमारी थाईलैंड की सीरीज़ और सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो। थैंक यू।